जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी सिद्धू मूसेवाला जी के माता और पिता को लेकर। पिता बलकौर सिंह जी ने इतना बड़ा कार्य कर डाला है बाढ़ पीड़ितों के लिए, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला जी की जायदाद में से सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने करोड़ों रुपए का जो है डोनेशन दे डाला है बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब के अंदर, बताएंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे रेड बटन पे क्लिक करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जो है टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ, आपको बता दें, अभी सूत्रों के हवाले से दोस्तों खबर सामने आई है कि सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर उन्होंने जो है ऐसा कार्य किया है जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। दोस्तों देवता स्वरूप गरीबों के मसीहा सिद्धू मूसेवाला जी तो इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन अपने पीछे करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद जो है इंडिया और कनाडा के अंदर छोड़ कर गए। इस जायदाद में से सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी और माँ चरण कौर जी टाइम टू टाइम गरीबों की मदद करते नजर आते हैं। और साथ ही आपको बता दें, एक तो हॉस्पिटल भी बन रहा है जो सिद्धू मूसेवाला जी के नाम पर बन रहा है, और वो कैंसर पीड़ित हॉस्पिटल बन रहा है, जो गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए जो है वो हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है, और जो कि सिद्धू मूसेवाला जी के ठीक समाधि के सामने बन रहा है और बहुत जल्द बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसके अलावा भी सिद्धू मूसेवाला जी के पिता और माता दोनों ही अनेकों अच्छे कार्य करते हुए नजर आते हैं, डोनेशन भी देते हैं टाइम टू टाइम। जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सिंगर माने जाते थे, उसी प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी के जाने के पश्चात भी सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी जो है अच्छे कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चाहे मुझे अपनी हवेली ही क्यों ना बेचनी पड़े, चाहे मुझे अपनी सारी जायदाद ही क्यों ना देनी पड़े, मैं इन लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा यही चाहता था, उसकी इच्छाएं यही रहती थी, वो हमेशा गरीबों के लिए सबसे आगे खड़ा नजर आता था, और यही रीजन था कि सिद्धू मूसेवाला जी कनाडा ना जाकर पंजाब में ही बस गए थे। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि करोड़ों रुपए का चेक जो है सिद्धू मूसेवाला जी के पिता बलकौर सिंह जी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे डाली है, जिसके लिए उनकी प्रशंसा हो रही है सोशल मीडिया पर। तो कई लोग ऐसे हैं, कई हेटर्स ऐसे हैं जो सिद्धू के माता पिता और सिद्धू मूसेवाला जी से नफरत करते हैं हमेशा से। उनका ये कहना है कि ये राजनीति खेल रहे हैं, ये आगे चलकर जो है इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, इसीलिए जो है इस प्रकार के अच्छे कार्य करते हुए दिख रहे हैं सिद्धू के पिता। इस प्रकार की तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स के लिए कही जा रही है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी गरीबों के मसीहा थे, ये कार्य सिद्धू के माता पिता ने नहीं छोड़ा है, वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर बुरा वक्त उन पर आन पड़ा एकदम से तो किस प्रकार से जो है अपनी खुद की मदद करेंगे। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जैसा भी वक्त आ जाए, हम कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने वाले हैं, क्योंकि हमारा श्रवण पुत्र, हमारा बेटा जो है सिद्धू जो है, वो हमारे लिए इतना कुछ करके गया है जो हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे, जिस प्रकार से मेरा बच्चा करता था, मेरा सिद्धू किया करता था। इतना ही नहीं, अपने लेटेस्ट स्पीच में सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने ऐसी बातें कह डाली है लॉरेंस और गोल्डी को लेकर, पंजाब सरकार को लेकर, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सुनिए इस स्पीच को, सिद्धू के पिताजी ने आखिरकार क्या कहा है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर और सिद्धू मूसेवाला जी को इंसाफ ना मिलने को लेकर। मेरे पुत्र का कत्ल होता है तो वह बंदा हाई कोर्ट के पटीशन पाउंदा है भी मैनू पंजाब दी जेलां चो खतरा है, और मैं भगवंत मान नू बधाई दिना कि तू साडा दिल तो नहीं जित सकिया, तू गैंगस्टर का दिल जरूर जित गया। अज ओही लॉरेंस हाई कोर्ट के पटीशन पाउंदा और यह गल कहिंदा मैनू बठिंडे की जेल में रखा जाए, मैनू पंजाब की जेल में रखा जाए। लॉरेंस के गोडी वर्गिया कतीड़ा जिन्होंने कदे किसी का लफेड़ा तक नहीं मारिया, और जेलां दे विच साढ़े नौजवानों नशे ते ला के इन्हों की किरदार कुशी करके इन्हों इन्ने इन्होंने मतलब मैं की कहां निकम्मे बनाता भी ये थोड़े जे पैसों की खातर। मैं जिम्मे तू दस के हटिया केकड़े ने कुल 15,000 रुपए की खातर मेरे बच्चे मरवाने का फैसला कर लिया की